कर्नाटक में भाजपा का अभियान 28 से पीएम मोदी मैदान में 6 दिन में 16 रैलियां और रोड शो करेंगे। मुस्लिम आरक्षण हटाने पर 9 दिन तक रोक। केजरीवाल ने बंगले के डेकोरेशन में खर्च किए 45 करोड़। भाजपा का दावा, कहा वे घर में नहीं बल्कि शीश महल में रह रहे हैं। सिटी रवि को लेकर दिए बयान पर ईश्वरप्पा की सफाई, कहा मेरे पास सीएम उम्मीदवार तय करने का अधिकार नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बागी हुए पूर्व विधायक, पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है विधानसभा चुनाव। देश के सबसे बुजुर्ग नेता थे प्रकाश सिंह बादल, पीएम मोदी भी पैर छूते थे। 76 साल का सियासी करियर, किसानों के समर्थन में पद्मभूषण लौटाया। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। फिरोजाबाद वार्ड नंबर 15 से शिव कुमार संखवार की पत्नी सुमन संखवार को निर्दलीय उम्मीदवार बनाया गया है, जिसको लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं सुमन संखवार और उनके पति शिव कुमार ने लोगों से घर घर जाकर जनसंपर्क किया और उन्होंने कहा कि मैं जनता के सम्मान में सदैव खड़ा रहूंगा, और उन्होंने बताया कि मैंने कोरोना काल में अपने निजी खर्चे से लोगों की मदद की। जनता के बीच में मुद्दा तो जो वो लोग लेंगे जो पिछले आने वाले समय, जो पिछला समय था, जो 5 या 10 साल से दिखाई नहीं दिए, मेरे पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं है। जब जनता को आधी रात में जरूरत पड़ती है पानी की, बिजली की, है तो जनता मेरे पास खुद ही फोन करती है, और मैं पिछले 10 सालों से जनता की सेवा करते चला रहा हूँ। जब किसी को आधी रात में मेरी आवश्यकता होती है तो मुझे बुलाता है, किसी को बेड चाहिए होता है मुझे बुलाता है, किसी का ऑपरेशन होता है तो मैं ट्रामा सेंटर है और भी फ्री में ऑपरेशन करवाता हूँ। मैं पानी की बिजली की सारी समस्याओं का मैं समाधान करता ही हूँ, और जो मुद्दा तो कोई है ही नहीं है, कुल मिला के विकास ही करना है। निकाय चुनाव को लेकर मंडला आयुक्त बरेली ने बदायूं का दौरा किया, जहां उन्होंने चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल और बरेली पुलिस उप महानिदेशक डॉक्टर राकेश सिंह मौजूद रहे। वहीं मंडल आयुक्त ने कहा कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मौजूदगी में चुनाव संपन्न कराया जाए, साथ ही FSD और SST सहित अन्य टीमें सक्रिय रहेंगी। जनता निर्मित तथा निडर होकर चुनाव करें, समस्या होने पर तत्काल अधिकारियों को अवगत कराएं। हरदोई में सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। शाहबाद नगर पालिका के भाजपा प्रत्याशी संजय मिश्रा बबलू गाड़ियों का काफिला लेकर दौरा कर रहे हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए प्रत्याशी को लेकर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट इस पर मौन नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि लखनऊ के सैयद उजैर अहमद ने लखनऊ में टॉप किया है। कक्षा 12वीं के सैयद उजैर अहमद ने लखनऊ में सेकंड पोजीशन प्राप्त की है और उत्तर प्रदेश में 7वें पोजीशन प्राप्त की है। अंबरगंज निवासी सैयद उजैर अहमद ने सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। जी, हमारी लखनऊ में सेकंड आई है और यूपी में 7th। तो ये बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। तो आपने की है जो आप ये सेकंड पोजीशन लेकर आए लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में 7वें स्थान पे। जी देखिए, मैंने हर दिन मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करा करते थे और बाकी हमारे टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते थे, और बाकी बायोलॉजी हम शाम को बैठ के थोड़ा बहुत करके पढ़ लेते थे, और हिंदी इंग्लिश भी हम वीकली मतलब 2-3 दिन ज़रूर देते थे हिंदी इंग्लिश को भी। पढ़ना है सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज से, हमने क्लास 12th किया है। ये कहाँ पर है? जी अंबरगंज लखनऊ में। ये अच्छा, ये बताइए ये जो आप है। खबर औरैया के विधुना थाना क्षेत्र से है, जहां बेला रोड के तालपुरवा के सामने सड़क दुर्घटना में ऑटो सवार 2 युवतियों की मौत हो गई
और एक महिला और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि विधुना से ऑटो में चार लोग जा रहे थे, उसी दौरान अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी जिसमें ऑटो सवार घायल हो गए। घायलों को CHC में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने दो युवतियों को मृत घोषित कर दिया जबकि दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मिनी PG सैफई रेफर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये लोग मतलब बाजार करके जा रहे थे विधुना से जी, ऑटो में, ऑटो से। तो घटना कहाँ पे हुई? घटना हुई है ये तालपुरा के पास। अच्छा अच्छा हाँ। फिर तो ये लोग बता रहे हैं कि एक DCM वाला ले जा रहा था, उसने एकदम से ब्रेक लगा दिए तो ये ऑटो वाला भी जा रहा था इधर से, ऑटो में टक्कर मार दी। ऑटो में टक्कर मार दी। अच्छा। तो चार लोग घायल हुए। जो यहाँ अस्पताल में कौन लेके आया था? अस्पताल में है हमसे पहले एक गाड़ी थी आई थी IDO साहब जी। अच्छा अच्छा वो लेके आई थी। तो चार घायलों में कितने लोग की मृत्यु हुई है? चार घायलों में दो लोगों की मृत्यु हुई। अच्छा, दो लोगों की स्थिति जो घायल है उनकी क्या है? गाजियाबाद के भोवापुर गांव में खाली पड़े प्लॉट में रखे सिलेंडर के फटने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फायर विभाग की तरफ से स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया है। आज लगभग 17:35 पर फायर स्टेशन वैशाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हमारे यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियां उनमें आग है। तत्काल दो फायर टेंडर्स हमारे वैशाली से घटनास्थल के लिए, मैं FSO के घटनास्थल के लिए रवाना किए गए। यहाँ पे आके देखा तो कबाड़ का गोदाम था जिसमें कुछ झुग्गियाँ बनी हुई थी, जिसमें एक LPG का सिलेंडर बड़ा वाला ब्लास्ट हुआ था और दो और अन्य सिलेंडर थे जिसको हम लोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को सेफली बाहर निकाल लिया। इसमें मुख्यतः जो कबाड़ का काम हो रहा था जिसमें जैसे तार है और अन्य सामान है उनको छील के उसका वायर निकालना, मेटल निकालना, वो वाला काम किया जा रहा था और जो पूरी तरह से चारों तरफ पूरे परिसर में फैल गया था, इसको दोनों तरफ से घेरते हुए हम लोगों ने पूर्णतः बुझा दिया है और इसमें कोई जानहानि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए बने रहिए Prime TV के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।